इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रभु कहते हैं कबंध शाप देते हुए, कौन? अतो नारद जी, दुर्वासा जी। हाँ लीजिए। शापत ताड़त पर से नारद जी। नारद जी ने शाप दे दिया। किसको? भगवान श्री हरि को। क्या कहा? बंचहु मोहि जवन धरि देहा, सो तन धरहु शाप मम देहा। कपि आकृति तुम कीनि हमारी, करी हही कीस सहाय तुम्हारा। मम अपकार कीन है तुम भाई, नारी बिरह तुम हो दुखा। शाप देते हुए नारद जी को भी मैंने कुछ नहीं कहा। देखिए, शाप किसी को देना नहीं चाहिए। क्यों? जो वस्तु हम देते हैं वो हमारे पास से कम होती है, देना नहीं चाहिए। शाप देते हैं जब हम, तो हमारा पुण्य कम होता है, क्योंकि जब शाप देंगे तो उसका प्रभाव होगा, और जब प्रभाव होगा तो आपका पुण्य घटेगा, तभी ना शाप जाके काम करेगा। अतु शाप कदापि नहीं देना चाहिए। शापत भगवान ने माया प्रकृति को खींचा है, देवर्षि चरणों में आ गए। प्रभु मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, हे नाथ ये मेरे पाप कैसे मिटेंगे? भगवान ने कह दिया जप हो जाए शंकर सतनामा हो ये हृदय तुरंत विश्रामा। जाके भगवान शिव के पंचाक्षर नाम का जप करें।
आपको विश्राम प्राप्त हो। उनके जैसा मेरा कोई प्रिय नहीं है। जही पर कृपा न करहि पुरारी सोन पाव मुनि भगति हमारी। तो शाप देते हुए भी ब्राह्मण पूज्य कठोर बोलते, भगवान परशुराम ने मेरे प्रभु को क्या क्या नहीं कहा, अब मैं क्या बताऊं। मेरे हाथ में फरसा रहते भी मैं तुझे देख रहा हूं, तेरे भाई को देख रहा हूं, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं तो मैं भुजबल क्या है, विपुल बार महिदेवन दी, अनेक बार मैंने क्षत्रिय वंश को काट काट के अलग किया। हाँ हाँ, वो पंक्ति दूसरी है, वो बातचीत लक्ष्मण जी की। कहते हैं कि 21 बार मैंने धरती को क्षत्रियों से हीन किया। विपुल बार महिदेव ने दी, पहली अर्धानी देखो क्या है। इतना कठोर बोलते हैं, और ये भी क्षत्रिय सरकार का कुल क्षत्रिय कुल है, परंतु मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। अपने कुल के बारे में इतना सुनने के बाद भी सरकार शांत खड़े रहे, क्यों? कठोरता भी कोई करे तो शीलता रखनी चाहिए। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही विपुल बार मही देवन दी, मैंने अपने भुजाओं के बल से धरती को राजाओं से रहित किया है, न जाने मेरे को क्या हो गया है, ऐसा मैं आज क्यों नहीं कर पा रहा हूं। यानी भगवान परशुराम भगवान को मार ही देना चाहते हैं, परंतु ये तो कैसे संभव है, संभव नहीं है। समझाते हुए कमंद को मेरे सरकार कहते हैं कि देखो, इतनी कठोरता सुनने के बाद भी पूज्य हैं ब्राह्मण लोग, इसलिए मैंने उनको कुछ नहीं कहा। सरकार ने यहां तक कहा ना, पूर्व पीठिका में उन्हें निवेदन किया आपसे, विप्रवंश के असि प्रभुताई अभय हो जो तुम ही डराए, आपसे जो भय खाए वो सबसे निर्भय हो जाता है, उसका भय समाप्त हो जाता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।